दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हर्षन फिटनेस में। आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज का वीडियो है फैट लॉस डाइट प्लान, फुल डे ऑफ ईटिंग फॉर फैट लॉस। लेकिन वीडियो आगे देखने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। डाइट प्लान होता क्या है? डाइट प्लान का मतलब है एक ऐसी डाइट जो प्लान वे में आपके लिए डिज़ाइन की गई है आपके गोल के अकॉर्डिंग। तो आपको उस डाइट प्लान से अलग कुछ नहीं खाना होता उस टाइम पे, आपको वही प्लान डाइट फॉलो करनी है ताकि आपको उस डाइट प्लान से फायदा मिल सके। दूसरी चीज जो लोग अक्सर गलती करते हैं वो करते हैं कि खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं। खाना बिल्कुल छोड़ने से आपका फैट लॉस नहीं वेट लॉस होगा, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी वे नहीं है आपका फैट लॉस करने का। क्योंकि फैट लॉस के दौरान आपको बॉडी रिकम्पोजिशन पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि फैट परसेंटेज कम हो और मसल परसेंटेज इंक्रीज हो। उसके लिए डाइट प्लान में आपके लिए प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट एक एसेंशियल अमाउंट में होने ही चाहिए, वही एक अच्छा डाइट प्लान होता है। और थर्ड मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं, वो सोचते हैं कि फैट खाने से फैट बढ़ता है। सो फैट खाने से फैट नहीं बढ़ता, आपके फैट का सोर्स क्या है, क्या आप अपनी डेली की रिक्वायरमेंट से ऊपर तो फैट नहीं खा रहे हैं, दूसरा आप किन फूड से वो फैट कंज्यूम कर रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन अगर आप अच्छे सोर्सेज से हेल्दी फैट्स अपनी डाइट में ले रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदा ही करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को, हमारे बॉडी को, हमारे मसल्स को, हमारे बोन्स को, सभी को फैट की रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी में जो न्यू सेल्स जनरेट होते हैं वो फैट से ही जरूर जनरेट होते हैं, और हमारे लीवर को भी फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे हॉर्मोन्स को बनाने के लिए। एंड द लास्ट थिंग जो लोग अक्सर गलत करते हैं वो क्या करते हैं कि डाइट प्लान फॉलो करते हैं लेकिन उसके साथ जैसे ही कभी भूख लगती है बीच में तो कुछ कुछ और ऐड कर लेते हैं और वो सारे डाइट प्लान को बेकार कर देता है। गाइस डाइट प्लान का मतलब ये है कि वही डाइट आपको फॉलो करनी है। अगर आप बाहर से भी उसमें ऐड करेंगे तो उसकी सारी जो मैक्रोज हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपने कुछ और खा लिया तो फैट इंटेक आपका बढ़ गया, फिर कैसे आप फैट लॉस करेंगे? सो आपको उसी कैलोरी डेफिसिट में रहना है जो आपके लिए प्लान की गई है। सो मैंने जो ये डाइट प्लान बनाया है ये काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, साइंटिफिक चीज़ों को भी और प्रैक्टिकल चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए बनाया है। जो भी लोग 60 केजी से लेके फीमेल्स और 90 केजी तक हैं, चाहे वो मेल्स हैं फीमेल हैं, वो मेरे इस डाइट प्लान को आराम से फॉलो कर सकते हैं। मैंने उन्हीं के लिए उसी रेंज में ही ये कैलोरी सेट की है उनकी, तो आप इसको बेझिझक होके बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी वेट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कम है तो आप इसमें कुछ कुछ चीज़ें अपनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ लो कैलोरी होनी चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पॉपकॉर्न और वेजिटेबल सूप, ये चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी ऐड कर सकते हैं जब भी आपको बीच में भूख जैसा फील हो स्नैक्स के तौर पे। बाकी आपको इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें मैक्रोज और माइक्रोज दोनों का पूरा ध्यान रखा है और ये प्योर वेजिटेरियन डाइट प्लान है, तो आप इसे आराम से फॉलो कर सकते हैं। और गाइस वो गलती बिल्कुल भी ना करें जो अक्सर लोग करते हैं, और इस डाइट प्लान को आप कंसिस्टेंटली फॉलो करें। बीच एक ऐसा नहीं कि आप एक वीक करें और फिर छोड़ दें, क्योंकि उससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कम से कम आप एक मंथ करें तब आपको जरूर रिजल्ट दिखेगा, ये मेरी गारंटी। और ये बहुत अच्छा डाइट प्लान है, आप आगे वीडियो को देखिए और समझिए डाइट प्लान में क्या क्या है और स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में।
आई होप आपने बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखा है, आपको समझ आ गया होगा कि आपको कब और कितना खाना है। टाइमिंग्स आप इस सारे मील्स की अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो आप प्री वर्कआउट मील को मॉर्निंग में ले सकते हैं। बाकी आपके लंच की, आपके डिनर की टाइमिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन खाना आपको वही है जो इस डाइट प्लान में मैंने आपको बताया है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप अपने वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी भूख के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, 5% to 10% ओनली। बाकी आप स्नैक्स के तौर पर इसमें फ्रूट सैलेड या वेजिटेबल सैलेड या सूप या फिर कोई पॉपकॉर्न, ऐसे स्नैक्स ऐड कर सकते हैं। उनसे आपको इतना ज़्यादा कोई फैट लॉस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप इस मेरे इस डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए अगर आपका कोई डाउट है, आपको फैट लॉस से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी ज़रूर करूँगा। अगर आपको मेरा डाइट प्लान और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर सकें और अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सकें। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुँच जाए। मैं आगे ऐसे ही और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ डालता रहूँगा और आपके गोल, फिटनेस गोल में आपकी हेल्प करता रहूँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।